इस वीडियो में हम लोग एमडीसी हिस्ट्री के सिलेबस को समझेंगे और इसी सिलेबस की मदद से ये समझेंगे कि एग्ज़ाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए, अगर आपका एमडीसी हिस्ट्री है तो आपको कुछ चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, फुल मार्क्स क्या है, पास मार्क्स क्या है, इंटरनल एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, और सब्जेक्ट वहाँ पर जब हम एग्ज़ाम देंगे तो कोड में क्या भरेंगे। देखिए, एग्ज़ाम सेंटर में आपको कोड भरना होगा, तो कोड में आप क्या भरिएगा, ये देखिए कोड यहाँ पर लिखा हुआ है, MDC-1 भरिएगा। क्या भरिएगा? MDC-1। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि MDC का जो फुल मार्क्स होता है वो होता है 75 और इसका जो पास मार्क्स होता है वो होता है 30। यानी कि आपको 75 फुल मार्क्स में से कितने मार्क्स लाने होंगे, आपको 30 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए, और 30 मार्क्स अगर नहीं लाते हैं तो आप फेल हो सकते हैं। देखिए, हिस्ट्री के एमडीसी में हम लोग कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, और इन चीज़ों से प्रश्न क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आपको इस सिलेबस को पढ़ते हुए ही बता दूंगा। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि एमडीसी हिस्ट्री में कितने यूनिट हैं। तो आप देख सकते हैं कितने यूनिट हैं, टोटल यूनिट 6 हैं, 6 यूनिट हैं, और इस 6 यूनिट को हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से जो है तैयार करेंगे। अब देखिए, 6 यूनिट को हो गया, टिक कर दिए हैं। अब देखते हैं पहला यूनिट, ठीक है। पहला यूनिट है डिस्कवरिंग द पास्ट सोर्स नेचर स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। पहला ही में पूछ दिया है कि इतिहास के स्रोत, इतिहास की प्रकृति, इतिहास के क्षेत्र और उसके महत्व को बताइए। यानी कि इतिहास के बारे में ही क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? इतिहास का स्रोत कहाँ से है, इस इतिहास हम लोग को कैसे पता चलता, किन किन स्रोतों से, वो सवाल पूछ सकता है, या फिर इसका नेचर यानी कि इसका स्वभाव कैसा है, और इसका क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र हैं इतिहास के, और इतिहास का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इतनी बात समझ में आ गई? यूनिट 1 से ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। यूनिट 2 में जब आप जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अर्ली ह्यूमन बीइंग, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, न्यू स्टोन एज, द अर्ली विलेज एंड सेटल लाइफ, बिगनिंग ऑफ सिटी लाइफ, द इंडस वैली सिविलाइजेशंस। देखिए, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ओल्ड स्टोन एज, ठीक है, तो ये जो है पूरा पाषाण काल बोलते हैं हम लोग, है ना, ओल्ड स्टोन एज पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल मिडिल स्टोन एज, ठीक है, तो ये पर, और नव पाषाण काल मतलब न्यू स्टोन एज। देखिए, ये चीज़ें क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, नव पाषाण काल से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा प्रारंभिक ग्रामीण जीवन कैसा था, ग्रामीण या फिर पहले के आदिमानव ने गाँव को किस प्रकार बसाया, इसको सेटल लाइफ बोलते हैं, ठीक है। शहरों का निर्माण कैसे हुआ, बिगिनिंग ऑफ सिटी लाइफ कैसे हुआ, और यहीं पर आता है आपका, जैसे ही शहर पूछा वैसे ही आपका आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। तीसरा आते हैं, तीसरा यूनिट पे ए लैंड कॉल्ड जम्बू द्वीप, नेम ऑफ आवर कंट्री, द लैंडस्केप, माउंटेन्स एंड रिवर। तो यहाँ पर पूछा है कि एक जमीन का टुकड़ा है ना, लैंड यानी एक जमीन जिसका नाम क्या है, जम्बू द्वीप। जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा कि अंडरस्टैंडिंग इंडिया में भारत के अलग अलग नाम हैं, उसमें से जम्बू द्वीप एक नाम है। तो यहाँ पर हमारे जो देश का नाम है, नेम ऑफ आवर कंट्री है, ठीक है, यहाँ पर पहाड़, पर्वत, झरने और नदियों, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए, सम ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत क्वेश्चन आ सकता है। अशोक के बारे में पूछा, अशोक के बारे में बताना है आपको, समुद्रगुप्त के बारे में, उसके बाद कृष्णदेव राय के बारे में, अकबर के बारे में, राजा राममोहन राय के बारे में, पंडित रमाबाई, ज्योतिबा फुले, दादा भाई नेहरोजी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और फाइनली APJ अब्दुल कलाम। ये हमारे इतिहास के महान लोग हैं, ग्रेट ग्रेट पीपल हैं, ग्रेट पर्सनालिटी हैं, और इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी में भी। अशोक से पूछ देगा, समुद्रगुप्त से पूछ देगा, अकबर से पूछ देगा, ज्योतिबा फुले से पूछ देगा, APJ अब्दुल कलाम के बारे में पूछ देगा। तो आपको तैयार रहना होगा, मतलब कि यहाँ से जो जो पर्सनालिटी दिया हुआ, जो जो लोग इसको नाम इसमें दिया हुआ, जो हमारे भारत के महान लोग हैं उनके बारे में पूछेगा। और 5 नंबर देखिए लिखा है, लिविंग ऑफ ब्रिटिश टाइम इंडियन नेशनल मूवमेंट, अ ब्रीफ सर्वे। यानी कि यह भी आपको पूछा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि उपनिवेश के टाइम में यानी अंग्रेजों के समय में भारत में कौन कौन से आंदोलन हुए थे, व्हाट इज़ द इंडियन नेशनल मूवमेंट बिटवीन 1857 टू 1947, यानी 1857 से लेकर 1947 तक कौन कौन से आंदोलन हुए, उसके एक छोटा सा एक संक्षिप्त एक सर्वे बोला है। और यहाँ पर है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ये हाँ, एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री आर्काइव म्यूजियम लाइब्रेरीज
टूरिज्म एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस यानी कि एप्लीकेशन ऑफ हिस्ट्री, मतलब होता है कि हिस्ट्री के बारे में अगर आपको स्रोतों के बारे में पता करनी है तो उसमें आर्काइव्स हैं, म्यूजियम्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, टूरिज्म है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इन जगहों पर जो है हिस्ट्री के बारे में आप बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। तो इन जगहों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और देखिए, अगर आपको इन सब के बारे में जानना है तो आप एनसीईआरटी के जो बुक्स है ना, 10 से लेकर 12 तक, इसको आप पढ़ सकते हैं इतिहास का, तो आपको सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन से यूनिट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मेरी नज़र में कौन कौन से यूनिट जो है इंपॉर्टेंट है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो आपका एक यूनिट 1, ये वाला मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। दूसरा सेकंड वाला भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, और इसके बाद हम लोग आ सकते हैं ये जो 4 वाला ना, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, और 5 वाला, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मुझे यूनिट 1, 2, 4 और 5 इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। और अगर आपको भी इंपॉर्टेंट लग रहा है ये चारों, तो आप ज़रूर इसकी तैयारी कीजिए, ठीक है। इसको मैंने बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आप प्रैक्टिस कीजिए और इन चीज़ों को आप खोज के निकालिए, थोड़ा रिसर्च माइंड लाइए अपने अंदर, देखिएगा मज़ा आएगा आप जब इसको खोजेंगे, जब इसको पढ़ेंगे खुद से, जब नोट्स बनाएंगे, ठीक है। और फिर अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसे पूछ सकते हैं, ठीक है, जहाँ तक संभव हो सके, ठीक है, उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एग्जाम डी तैयारी, एग्जाम की तैयारी कीजिए एग्जाम डी के साथ। थैंक यू।